मोर लगेगी। धन्यवाद। पैदल चलने वाली लड़की औरत है, स्कूटी चलाने वाली लेडी है, मुझे पता है, मैंने उसको 5 साल पहले भी देखा है। हमारे पास वो पैसा नहीं है जिस तरीके से भाजपा और बाकी लोग पैसे बहा रहे हैं, पर हमारे पास वो इरादे हैं, हमारे पास वो नेक इरादे हैं। अगर आप सब हमें सत्ता में लेके आते हो, यहां से भारतीय सब समझते हैं, अब गुजरात के लोग सब समझने लगे हैं, क्योंकि एक और आप 11,30,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ते हैं, क्योंकि 700 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है, और दूसरे और आप 120 करोड़ रुपया ऋण माफ करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। ये आपकी कतनी और करनी में फर्क है। और एक दुख की एक और बात है कि ये जो सरकार है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तानाशाही इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर आप अपनी आवाज उठाते हो तो आपको, आप पे दबाव आ जाता है, आप पे ईडी या सीबीआई का रेड हो जाता है, या आपके घर के परिवार के लोगों को परेशान करने में आते हैं। यह सच्चाई और दुनिया जानती है कि गुजरात में कोरोना के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी से छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार इस हद तक कि तब के सीएम वेंटिलेटर्स के घोटाले और बहुत सारे घोटाले हुए हैं यहां पे, लोगों की जिंदगी पे उन्होंने अपना पैसा कमाया, लोगों की लाश पे उन्होंने पैसा कमाया, और वही लोगों के लाश पे जो उन्होंने पैसा कमाया है वो इस चुनाव के समय पे उनको जवाब मिलेगा। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हम सबके बीच इस बार इनके भी पार्टी आम आदमी पार्टी को भी उतारा गया है, ताकि वो कांग्रेस के वोट्स को कम कर सके, ताकि वो कांग्रेस के लोगों को बांट सके। पर याद रखिएगा, झाड़ू ने दिल्ली बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने और उनके सरकार ने। आज उनके यही लोग थे जो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, आज उन्हीं का मंत्री जेल में बंद है, और यही वो सरकार है जिसने निर्भया कांड पे राजनीति करके सत्ता में आए, और आज एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी जो थे वो जेल में यही कैबिनेट मिनिस्टर के पैर दबा रहे हैं। बहुत कुछ कहती है ये सब चीजें। ये वही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है जो दिल्ली को सुनहरे सपने दिखाए, और आज दिल्ली एक कूड़ादान बन के रह गया है। बहनों और भाइयों, आज आपके पास 5 साल में के आगे के लिए सोचने के लिए, आज आपके जो निर्णय होगा वो आपके आगे के 5 साल को दर्शाएगा, आज का जाएगा। बहनों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है केंद्र के सरकार से और प्रदेश के गुजरात की सरकार से, तो वो हम महिलाएं हैं। हम महिलाओं पे जिस तरीके से इस भाजपा सरकार ने महंगाई थोपा है, इसके लिए हम महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगे। क्या महंगाई कम हुई है? क्या गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है? क्या तेल का दाम कम हुआ है? क्या आपके और हमारे बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिल रहा है इनके राज में? भाइयों, क्या नौकरियां मिल रही है? 2 करोड़ नौकरियां हर साल
यानी कि 8 साल में इस केंद्र के राज में 16 करोड़ नौकरियां मिली है। और अगर मैं गुजरात की बात करूं, पूरे देश की तो हालत बहुत खराब है, पर हम महिलाओं को एक समय में गुजरात में, क्योंकि मैं खुद मने पन गुजराती बोलता आवड़े छे એટલે હું ગુજરાતી માં પણ વાત કરીશ, હું આજ ગુજરાત માં ભણી ગઈ છું, એમએસ યુનિવર્સિટી બરોડા માં 5 વર્ષ રહી ચૂકી છું ત્યાં, અને એ 5 વર્ષોમાં અમે ગરબા રમવા પણ જતા હતા, અને ગુજરાત સુરક્ષિત, અમને એમ લાગતું હતું કે ગુજરાત બહુ જ સુરક્ષિત છે, પણ આજે તમે જે એનસીઆરબી ના ડેટા લો હાથમાં, તો દરરોજ ગુજરાતમાં 8 બલાત્કાર થાય છે, રોજ ગુજરાતમાં 5 બલાત્કાર, ઓર યે કહેતે હૈ બેટી પઢાઓ બેટી બચાઓ, ઓર જે હું તમને કહું કે એસસી એસટી મહિલાઓ